बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तखलीक फरिश्तों की लाई मट्टी से नहीं की, मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर ना होने पाए कि जमीन की लाई हुई किस मट्टी से औरत की तखलीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई। अब बात आती है पसली की, औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए हैं, यानी पसली एक ढाल है उन नाजुक हिस्सों के लिए। तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल के ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पसली की तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त बढ़ने पे ढाल भी बन सकती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमा थे कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नुम में रहेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नुम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। एक दिन इस कदर ऊंची बुलंद आवाज से ही या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के करीब से गुजरते हुए उसे सुन लेंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है कि कोई मुसलसल या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रखकर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सर उठाओ। जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि बताओ जिब्राइल सलाम, क्या अजीब देखा आज तुमने? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, मैंने जहन्नुम से आती हुई एक आवाज सुनी है जो कि गहरे गढ़े से लग रही थी, कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह फरमाएगा, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जहन्नुम की दौड़ का मालिक के पास जाओ और उसे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान की सदा लगा रहा है उसे जहन्नुम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर उसे मेरे पास ले आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाजे पर तशरीफ ले जाएंगे, दरवाजे पर दस्तक देंगे, मालिक बाहर आएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे, हुक्म सुनकर मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, मालिक ऐसे जहन्नुम को पहचानते हैं। उसके बावजूद आप या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ लाएंगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे, ऐ जिब्राइल, जहन्नुम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज पत्थर है, कौन कौन सी चीज लोहा है और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मौला दौर का जहन्नुम मालिक ने भी माजरत कर ली है, कहते हैं जहन्नुम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर लोहे और इंसान के दरमियान कोई फर्क नहीं बचा है, तो ये सब जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज की पहचान नहीं हो पा रही। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राइल, मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नुम के फलां गढ़े में फलां कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाजे पर जाएंगे और हजरत मालिक को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हजरत मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, उसके पांव उसकी पेशानी के साथ और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नुम के सांप बिच्छू उसके साथ लिपटे हुए हैं। मालिक उसकी जंजीरें तोड़ देंगे और जहन्नुम से निकालकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे अर्शे इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सर उठाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे, अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएगा, ऐ बंदे, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तखलीक नहीं की थी? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुझे बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा सारी बातों को मानेगा, इकरार करेगा, या अल्लाह, तूने मेरी बहुत आला तखलीक फरमाई, तेरे रसूल भी तशरीफ लाए और उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा, फला फला गुनाह क्यों किया? वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया जिसकी सजा में मुझे जहन्नुम में डाल दिया गया। ऐ अल्लाह, उसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे
تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا، مولا تُنے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین آئیے اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنی اپنی گریبانوں میں نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم حکمران، وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو، وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین عادات پائی جائیں وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔